नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा ननन पंत द्वारा रचित कविता वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार का रसास्वादन करेंगे और इस कविता के भाव को समझेंगे। कवि और पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। हे मेरी वाणी, तुम्हारी सार्थकता इसमें है कि तुम जन्म तक मेरे विचार पहुंचा दो, जन जन के मन तक मेरे विचार तुम पहुंचा दो, इतना ही काफी है। हे मेरी वाणी, इसके लिए क्या तुम्हें अलंकारों की जरूरत है? क्या तुम्हें अलंकार चाहिए? भव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, आज युग की स्थितियों से यह भव कर्म पीड़ित है। संसार के सारे कर्म युग की स्थितियों से त्रस्त है, पीड़ित है। जग का रूपांतर भी जनक पर अवलंबित, इस संसार का बदलाव, जग का रूपांतरण जनक पर अवलंबित है। जब तक जनजन में एकता नहीं होगी विचारों की, जब तक जनजन एक दूसरे के विचारों से जुड़ेगा नहीं, तब तक जग का रूपांतर नहीं होगा। तुम रूप कर्म से मुक्त, हे वाणी, हे अभिव्यक्ति, तुम रूप और कर्म से मुक्त हो। शब्द के पंख मार, तुम शब्दों के पंखों को मारते हुए शब्द रूपी पंखों के द्वारा कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार। तुम आम आदमी के मन रूपी आकाश में दूर तक पहुंच सकती हो, यानी अभिव्यक्ति सशक्त हो, अभिव्यक्ति अच्छी हो तो जन जन के मन तक, मन रूपी आकाश में बहुत गहरे तक पहुंच सकती है। इसलिए कवि कह रहे हैं, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। हे मेरी वाणी, क्या तुम्हें अलंकारों की जरूरत है? चित शून्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित, आज यह संसार चेतना के हिसाब से, चैतन्य के लिहाज से शून्य सा हो गया है। नव निनाद से हो गुंजित, यह संसार नवीन निनाद से, नवीन स्वर से, नवीन ध्वनियों से गुंजित हो जाए। मन जड़, हमारा मन जड़ बन चुका है, हमारा मन चेतना शून्य जड़ बन चुका है, उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत, हमारे मन में वापस नवीन स्थितियों के गुण जागृत हो जाए। तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार, कवि कह रहे हैं, मेरी वाणी, तुम जड़ और चेतन की सीमाओं से आर पार हो। तुम किसी सीमा में बंधी हुई नहीं हो, तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार झंक भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। जो भविष्य का सत्य है उसको तुम स्वर दे सकती हो, आकार दे सकती हो। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। हे मेरी वाणी, क्या तुम्हें अलंकारों की जरूरत है? तुम्हें अलंकारों की कहां आवश्यकता है? आगे कवि कह रहे, युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द। ये शब्द ही युग कर्म है, शब्द ही युग रूप है और शब्द ही युग का सत्य है। युग का कर्म, युग का रूप, युग का सत्य शब्द ही है। शब्दित कर भावी के सहस्र शतमूख अब्द, आने वाले कल के, भावी युग के हजारों सैकड़ों मौन वर्षों को शब्दित करके, गुंजायमान करके, ध्वनित करके, ज्योतित कर जनमन के जीवन का अंधकार, जनमन के जीवन के अंधकार को प्रकाशित करके, जनमन के जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है, जो अवसाद छाया हुआ है, जो जड़ता छाई हुई है, उसे मिटा करके और नए विचारों से, नई ऊर्जा से, नए तेज से उसको प्रकाशित करके तुम खोल सको मानव और के निःशब्द द्वार। हे मेरी वाणी, सार्थकता इसी में है कि तुम मनुष्य के हृदय के मौन द्वारों को, निःशब्द द्वारों को खोल सको, यानी मनुष्य को अभिव्यक्ति की सामर्थ्य दो, मनुष्य को कुछ करने की सामर्थ्य दो। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। हे मेरी वाणी, तुम्हें अलंकारों की कहां आवश्यकता है? तुम्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या अलंकार चाहिए? कवि का ये कहना है कि अभिव्यक्ति वही सार्थक है जो जन जन तक पहुंच जाए, उसके लिए कृत्रिम मुलम्बा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वाणी को अलंकारों से या आडंबर से युक्त करने की जरूरत नहीं है, सहज बोधगम्य वाणी ही पर्याप्त है।
कवि इस कविता के माध्यम से उस कविता के असर पर, शब्दों के असर पर जोर दे रहा है, उसकी अलंकारिकता पर जोर नहीं दे रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये थी सुमित्रानंद पंत की कविता वाणी। आप इसका आनंद लें और इसको और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार।